हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ 33x48 प्लॉट की साइज है और साउथ फेसिंग है, बाकी अदर तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये डिज़ाइन, तो आगे से आगे शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको डिज़ाइन कैसी लगी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके पास वाले जो बेल आइकन है वो भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस बारे में विस्तार से बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसकी जो चौड़ाई है वो 33 फीट है और जो इसकी लेंथ है वो 48 फीट है। 33x48 प्लॉट की साइज है और साउथ फेसिंग है। सबसे पहले ये देखिए हमारा आ रहा है पार्किंग, 13 फीट 5 इंच x13 फीट, ये हमारी पार्किंग है। उसके बाद में यहाँ से हम अप करेंगे, यहाँ पे सीट आउट है 22 फीट 9 इंच x5 फीट 5 इंच। यहाँ से हम दो स्टेयर अप करेंगे, 3 स्टेयर, तो फिर ये यहाँ पे आपका मेन डोर आ रहा है 4 फीट का, जो सीधा लिविंग एरिया में खुल रहा है। और यहाँ से जस्ट उसके पास में स्टेयर केस है, यहाँ से अप करेंगे और यहाँ डाउन हो जाएंगे 6 फीट 3 इंच x 3 फीट 6 इंच। और लिविंग के एरिया की एक 6 फीट 6 इंच की विंडो पार्किंग की तरफ है, ये इस तरह है। और उसके बाद में ये आपका आ रहा किचन, इसका ये 3.5 फीट का डोर है और 13 फीट x13 फीट ऐसे 10 फीट ऐसे 13x10 का किचन है। और उसकी एक 4 फीट की विंडो पार्किंग की तरफ है और एक 4 फीट की विंडो पीछे यूटिलिटी छोड़ी है मैंने नॉर्थ फेसिंग की तरफ, 5 फीट 9 इंच x 36 फीट 6 इंच की यूटिलिटी है। और यहाँ से 8 फीट 6 इंच है, किचन थोड़ा अंदर है, तो 4 फीट की विंडो नॉर्थ की तरफ है और उसके अंदर जाने के लिए ये 2.5 फीट का डोर किचन से दे रखा है। उसके बाद में ये लिविंग एरिया आ गया, यहाँ से 11 फीट 10 इंच है और ये टोटल आपका 20 फीट है। और यहाँ से 15 फीट 3 इंच है, ये डाइनिंग एरिया आ गया। और डाइनिंग एरिया का एक ये 5 फीट की विंडो इस यूटिलिटी की तरफ है नॉर्थ की तरफ, और उसके अंदर जाने के लिए यहाँ से भी एक 3 फीट का डोर दे रखा है। उसके बाद में ये 6 फीट है, यहाँ पर डिस्टेंस है वो कॉरिडोर जिसे बोलते हैं। और फिर ये 2.5 फीट का डोर है और ये कॉमन टॉयलेट है 6 फीट 3 इंच x 6 फीट का, और इसका भी वेंटिलेशन 2 फीट का नॉर्थ की तरफ है। उसके बाद में ये आपका आ रहा बेडरूम, उसका ये 3.5 फीट का डोर और 12x10 का बेडरूम है, 10 फीट ऐसे 12 फीट ऐसे, और इसकी एक 5 फीट की विंडो नॉर्थ की तरफ जो यूटिलिटी दे रही है उसकी तरफ है। और उसके अटैच के अंदर ये टॉयलेट है, ये इसका 2.5 फीट का डोर है, ये 6 फीट ऐसे 6 फीट 2 इंच ऐसे 6x6 फीट 2 इंच का अटैच टॉयलेट है। और उसके बाद में ये 3.5 फीट का डोर है और एक बेडरूम और है 10x12 का है, 12 फीट ऐसे और 10 फीट ऐसे, और इसकी भी 5 फीट की विंडो जो हमने साउथ की तरफ जो हमने सीट आउट छोड़ा था उसकी तरफ ये 5 फीट की विंडो है। तो ये देखिए दोस्तों, एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मैं जूम करके बता देता हूँ आपको, ये आपकी पार्किंग आ गई, आराम से देख लीजिए पार्किंग 13 फीट 5 इंच x13 फीट, सीट आउट 5 फीट 5 इंच x22 फीट 9 इंच, मेन डोर 4 फीट, स्टेयर केस अप डाउन 11 फीट 10 इंच यहाँ से, टोटल 20 फीट, 15 फीट 3 इंच यहाँ से, किचन 13x10 यहाँ से डोर यूटिलिटी के अंदर 2.5 फीट का, डाइनिंग से भी 3 फीट का डोर यूटिलिटी की तरफ, ये यहाँ पे नॉर्थ की तरफ जो यूटिलिटी है वो है 5 फीट 9 इंच x ये 36 फीट 6 इंच, और किचन से 8 फीट 6 इंच है, किचन थोड़ा अंदर है। और उसके बाद में एक कॉमन टॉयलेट 6 फीट 3 इंच x 6 फीट, बेडरूम 10x12 अटैच टॉयलेट 6 फीट 6 फीट 2 इंच और 12x10, और ये यहाँ पे सीट आउट हो गया। मैं आपको एक बार जूम करके बताता हूँ पूरा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाएं। ये देखिए मैं आपको जूम करके पूरा बता देता हूँ एक बार, ये देखिए तो चलिए दोस्तों, अगर ये डिज़ाइन आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके पास वाला जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सकते हो। थैंक्स दोस्तों।